नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो का टॉपिक है कि बाइक का इंजन क्यों हीट होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। मान लीजिए मेरे पास ये बाइक है, तो सबसे पहले कारण है ये, अगर इसमें इंजन ऑयल देखेंगे हम गेज इसका खोल के, और गेज पे दो निशान है देख रहे होंगे, अगर इस पे ये निशान तक होगा पहले वाले तक तो बाइक का इंजन हीट होगा, और ये वाला दूसरा वाला निशान देख रहे होंगे इस पे इतना होगा तो पूरा होगा तो हीट नहीं होगा, तो ये कारण होता है। और इंजन ऑयल ठीक भी होना चाहिए इसके अंदर देख रहे होंगे, चिकनावट होना चाहिए। तो पहला है इंजन के अंदर पूरा इंजन ऑयल होना चाहिए जितना हमने बताया, और दूसरा इसमें चिकनावट भी पूरी होनी चाहिए ताकि इंजन सही तरीके से चल सके और इंजन हीट ना हो। और दूसरा है ये पहिया, हम जब चलाएंगे तो ये फ्री चलना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, अगर ये पहिया टाइट घूमेगा तो इसके कारण से बाइक का इंजन हीट होगा बहुत ही ज़्यादा। तो अगले पिछले के दोनों पहिए इसके फ्री होने चाहिए इस तरीके से, और ये ब्रेक टाइट नहीं हो, ढीला हो, इसके कारण से पहिए टाइट चलेगा, और पहिए जब टाइट चलेगा तो इसका इंजन गर्म होगा, ये कारण होता है। और इसका अगला वाला ब्रेक भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए, इतनी प्ले होनी चाहिए जैसे इतनी इसमें है, और टायर के अंदर हवा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, अगर हवा कम होगी इसके अंदर तो पहिया लोड लेके चलेगी बाइक, तीन सवारी होगी तो, और इंजन ज़्यादा हीट होगा हवा के कारण से। और पिछले वाले पहिए में 40 हवा होनी चाहिए, और इसके अगले वाले पहिए में 35 हवा होनी चाहिए, 35 हवा होनी चाहिए। इंजन के अंदर क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जाएंगी तो बाइक ऐसा लगेगा कि हम रेस ज़्यादा दे रहे हैं और बाइक कम दौड़ रही है, और इंजन इसके वजह से ज़्यादा हीट होगा जब बाइक दौड़ेगी नहीं पूरी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।